नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं राजेंद्र देव। इस वक्त देश की नजरें नीदरलैंड के हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे पर लगी हुई हैं। कुछ ही पलों में भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे शर्मनाक हार का फैसला अंतर्राष्ट्रीय अदालत सुनाने वाली है। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर आईसीजे का फैसला आने वाला है। पाक की सैन्य अदालत ने जाधव को जबरन जुर्म कबूल करवाकर मौत की सजा सुनाई है, जिसे भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुनौती दी है। कुलभूषण केस में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं, बल्कि वियना संधि का उल्लंघन करते हुए जाधव को न सिर्फ कानूनी मदद से दूर रखा, बल्कि मां और पत्नी तक से सीधे मिलने नहीं दिया। 2 साल और 2 महीने तक आईसीजे की 15 सदस्यीय पीठ में सुनवाई के दौरान भारत ने पाकिस्तान का पूरा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने रख दिया। भारत ने कैसे इस पूरे मामले में पाकिस्तान के हर एक झूठ को बेनकाब किया और सच्चाई सामने लाई, इस पर हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। जीतेगा जाधव, हारेगा पाकिस्तान, ये देखिए सीधी तस्वीरें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग की आपकी स्क्रीन पर। अभी ये कोर्ट बस कुछ ही पलों में फैसला सुनाना शुरू करेगी। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं जाधव, जिन्हें पाकिस्तान ने जासूसी का झूठा आरोप लगाकर पहले कैद किया, उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी। इसी को चैलेंज किया है, इसी पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। 2017 में भारत ने चैलेंज किया, सुनवाई हुई, तब तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि फांसी न दी जाए कुलभूषण जाधव को, स्टे लगा रहा उस फांसी पर, और आज फैसला आ रहा है कुछ ही पलों में, जैसा कि आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हेग से। इसी कोर्ट से फैसला आएगा कुलभूषण जाधव की रिहाई पर। दोनों ही पक्षों के आर्ग्यूमेंट सुने हैं इस कोर्ट ने, इस अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने, भारत के भी और पाकिस्तान के भी, और आज फैसला सुनाने जा रही है ये अंतर्राष्ट्रीय अदालत। ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी न्यायिक का ये एजेंसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस मंच पर दोनों ही पक्षों ने अपने तर्क रखे, भारत ने भी पाकिस्तान ने भी। लगभग 2 साल से ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास है और अभी थोड़ी देर में इस पर फैसला सामने आ जाएगा। झूठा आरोप लगाकर भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी को गिरफ्तार किया पाकिस्तान ने, जेल में बंद रखा, बाद में उनकी मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा दी। जैसे ही सजा आई भारत ने इसको चैलेंज किया। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हेग से, नीदरलैंड का ये शहर हेग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहीं पर मौजूद, यूनाइटेड नेशंस की जो जुडिशियल विंग है उसका ये हेडक्वार्टर्स आप कह सकते हैं हेग, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बैठ गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फैसला बस अब सामने आने वाला है, सभी तैयार इस फैसले को सुनने के लिए। सीधी तस्वीरें हेग से आपकी स्क्रीन पर। पूर्व नौसेना अधिकारी हैं कुलभूषण जाधव, प्रताड़ना झेली उन्होंने लंबे समय तक पाकिस्तानी आर्मी की, पाकिस्तानी अधिकारियों की, पाकिस्तानी हुकूमत की। आज बहुत मुमकिन है कि दुनिया की इस सबसे बड़ी अदालत से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से उनको रिहाई का आदेश मिले। भारत ने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट में जो सुनवाई होती है वो प्रोसीजरल नहीं है, बहुत सारे मजबूत तर्क दिए हैं। हरीश साल्वे, कुलभूषण जाधव और भारत की ओर से उन्होंने पक्ष रखा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, बड़े वकील, जाने माने वकील। 16 जजों की बेंच है जो, जिसने इस पर सुनवाई की है, जो फैसला देने जा रही है। और आप देख सकते हैं सभी सम्मान में खड़े हो गए, सारे जजेस अपनी पोजीशन लेने जा रहे हैं। ठीक घड़ी ने 6:30 बजाए और सारे जजेस, सारे न्यायाधीश, जिसमें तमाम देशों के न्यायाधीश हैं, वो
अपनी सीट पर अब बैठने जा रहे हैं, न्याय की सीट पर बैठने जा रहे हैं, इंसाफ की सीट पर बैठने जा रहे हैं। सारी दुनिया की निगाहें थी। मुख्य न्यायाधीश ने सबको बैठने का आग्रह किया। सारे जज कोर्टरूम में पहुंच गए हैं। The sitting is open. L'audience est ouverte. La Cour se réunit aujourd'hui conformément à l'article 58 de son statut to deliver its judgment pour rendre son arrêt in the case concerning en the l'affaire Jabba case, India versus Pakistan. Judges Benuna, Donahue and Crawford, who duly participated in both the deliberation and the final vote, are, for reasons explained to me, unable to take their seats on the bench today. These proceedings were instituted on 8 May 2017 by the filing in the registry of an application by the Republic of India against the Islamic Republic of Pakistan, alleging violations of the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963, to which I will refer as the Vienna Convention. According to the application of India, and I quote, in the matter of the detention and trial of an Indian national, Mr. Kulbhushan Sudhir Yadav, end of quote, accused of performing acts of espionage and terrorism on behalf of India and sentenced to death by a military court in Pakistan in April 2017. As is usual, I shall not read the introductory paragraphs of the judgment, which set out the procedural history of the case and reproduce the submissions of the parties. Nor shall I read the paragraphs which describe the factual background to the case. I shall also omit or summarize some paragraphs of the judgment. The full text of the judgment will, of course, be available at the close of the sitting. I shall accordingly begin reading of the judgment at paragraph 33. With regard to jurisdiction, India seeks to found the court's jurisdiction on Article 36, paragraph 1 of the statute and on Article 1 of the optional protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning the compulsory settlement of disputes, to which I will refer as the optional protocol. India and Pakistan have been parties to the Vienna Convention since 28 December 1977 and 14 May 1969, respectively. They also were, at the time of the filing of the application, parties to the optional protocol without any reservations or declarations. The court notes that Pakistan has not contested that the dispute relates to the interpretation and application of the Vienna Convention, and that the present dispute concerns the question of consular assistance with regard to the arrest, detention, trial, and sentencing of Mr. Yadav. The court also notes that in its application, written pleadings, and final submissions, India asks the court to declare that Pakistan has violated Mr. Yadav's, and I quote, elementary human rights, which are also to be given effect
as mandated under Article 14 of the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, end of quote. The covenant entered into force for India on 10 July 1979 and for Pakistan on 23 September 2010. In this respect, the court observes that its jurisdiction in the present case arises from Article 1 of the optional protocol and therefore does not extend to the determination of breaches of international law obligations other than those under the Vienna Convention. This conclusion does not preclude the court from taking into account other obligations under international law insofar as they are relevant to the interpretation of the Vienna Convention. In light of the foregoing, the court finds that it has jurisdiction under Article 1 of the optional protocol to entertain India's claims based on alleged violations of the Vienna Convention. The court now turns to the admissibility of the application. Pakistan has raised three objections to the admissibility of India's application. These objections are based on India's alleged abuse of process, abuse of rights, and unlawful conduct. The court addresses each of these objections in turn. In its first objection to the admissibility of India's application, Pakistan asks the court to rule that India has abused the court's procedures. Pakistan advances two main arguments to this end. First, it alleges that when requesting the indication of provisional measures on 8 May 2017, India failed to draw the court's attention to the existence of a constitutional right to lodge a clemency petition. Secondly, Pakistan submitted that before instituting proceedings on 8 May 2017, India had failed to give consideration to other dispute settlement mechanisms envisaged in Articles 2 and 3 of the optional protocol. The court observes, in relation to Pakistan's first argument, that in its order indicating provisional measures, it took into account the possible consequences for Mr. Jadhavi's situation of the availability under Pakistani law of any appeal or petition procedure, including the clemency petition to which Pakistan refers in support of its claim. In this regard, the court concluded inter alia, and I quote, that there was considerable uncertainty as to when a decision on any appeal or petition could be rendered, and if the sentence is maintained, as to when Mr. Jadhav could be executed, end of quote. Therefore, there is no basis to conclude that India abused its procedural rights when requesting the court to indicate provisional measures in this case. In relation to the second argument, the court notes that none of the provisions of the optional protocol relied on by Pakistan contain preconditions to the court's exercise of its jurisdiction. The court interpreted these provisions in the case concerning United States diplomatic and consular staff in Tehran, where it ruled that Articles 2 and 3 of the optional protocol to the Vienna Convention on diplomatic relations
and to the Vienna Convention on Consular Relations do not lay down, and I quote, a precondition of the applicability of the precise and categorical provision contained in Article 1, establishing the compulsory jurisdiction of the court in respect of disputes arising out of the interpretation or application of the Vienna Convention in question. Articles 2 and 3 provide only that as a substitute for recourse to the court, the parties may agree upon resort either to arbitration or to conciliation. End of quote. It follows that India was under no obligation in the present case to consider other dispute settlement mechanisms prior to instituting proceedings before the court on 8 May 2017. Thus, Pakistan's objection based on the alleged non-compliance by India with Articles 2 and 3 of the optional protocol cannot be upheld. The court recalls that only in exceptional circumstances should it reject a claim based on a valid title of jurisdiction on the ground of abuse of process. In this regard, there has to be clear evidence that the applicant's conduct amounts to an abuse of process. The court does not consider that in the present case there are such exceptional circumstances that would warrant rejecting India's claims on the ground of abuse of process. Accordingly, the court finds that Pakistan's first objection to the admissibility of India's application must be rejected. With regard to the second objection to the admissibility of India's application, Pakistan requests the court to rule that India has abused various rights it has under international law. In its pleadings, Pakistan has based this objection on three main arguments. First, it refers to India's refusal to provide evidence of Mr. Jadhav's Indian nationality by means of his actual passport in his real name, even though it has a duty to do so. Secondly, Pakistan mentions India's failure to engage with its request for assistance in relation to the criminal investigations into Mr. Jadhav's activities. Thirdly, Pakistan alleges that India authorized Mr. Jadhav to cross the Indian border with, I quote, a false cover name, authentic passport, end of quote, in order to conduct espionage and terrorist activity. In relation to these arguments, Pakistan invokes various counter-terrorism obligations set out in Security Council Resolution 1373 of 2001. In its judgment on the preliminary objections in the case concerning immunities and criminal proceedings, the court ruled that abuse of rights cannot be invoked as a ground of inadmissibility when the establishment of the right in question is properly a matter for the merits. The court notes, however, that by raising the argument that India has not provided the court with the actual passport in Mr. Jadhav's real name, Pakistan appears to suggest that India has failed to prove Mr. Jadhav's nationality. This argument is relevant to the claims based on Article 36 of the Vienna Convention in relation to Mr. Jadhav
and therefore must be addressed at this stage. In this respect, the Court observes that the evidence before it shows that both parties have considered Mr. Jadhav to be an Indian national. Indeed, Pakistan has so described Mr. Jadhav on various occasions, including in its letter of assistance for criminal investigation against the Indian national Kulbhoo Shan Sudhir Jadhav, addressed by the Ministry of Foreign Affairs of Pakistan on 23 January 2017 to the High Commission of India in Islamabad. Consequently, the Court is satisfied that the evidence before it leaves no room for doubt that Mr. Jadhav is of Indian nationality. As already indicated, the second and third argument is advanced by Pakistan in support of its second objection to the admissibility of the application are based on various alleged breaches of India's obligations under Security Council Resolution 1373 of 2001. In particular, Pakistan refers to India's failure to respond to Pakistan's request for mutual legal assistance with its criminal investigations into Mr. Jadhav's espionage and terrorism activities, as well as the issuance of what Pakistan describes as, and I quote, a false cover name, authentic passport, end of quote. The Court observes that, in essence, Pakistan seems to argue that India cannot request consular assistance with respect to Mr. Jadhav, while at the same time it has violated other obligations under international law as a result of the aforementioned acts. While Pakistan has not clearly explained the link between these allegations and the rights invoked by India on the merits, it is the Court's view that such allegations are properly a matter for the merits and therefore cannot be invoked as a ground of inadmissibility. For these reasons, the Court finds that Pakistan's second objection to the admissibility of India's application must be rejected. The second and third arguments advanced by Pakistan will be addressed later when dealing with the merits. The Court now turns to the third objection to the admissibility of India's application, whereby Pakistan asks the Court to dismiss the application on the basis of India's alleged unlawful conduct. Relying on the doctrine of clean hands and the principles of ex turbi causa non oritur actio and ex injuria jus non oritur, Pakistan contends that India has failed to respond to its request for assistance with the investigation into Mr. Jadhav's activities, that it has provided him with, I quote, a false cover name, authentic passport, end of quote, and more generally, that it is responsible for Mr. Jadhav's espionage and terrorism activities in Pakistan. The Court does not consider that an objection based on the clean-handed doctrine may by itself render an application based on a valid title of jurisdiction inadmissible. It recalls that in the case concerning certain Iranian assets, Islamic Republic of Iran versus United States of America, the Court ruled that even if it were shown that the applicant's conduct was not beyond reproach,
This would not be sufficient per se to uphold the objection to admissibility raised by the respondent on the basis of the clean hands doctrine. The court therefore concludes that Pakistan's objection based on the said doctrine must be rejected. The court further notes that Pakistan has relied on the judgment of the Permanent Court of International Justice in the factory at Chorsow case in order to advance an argument based on a principle to which it refers as ex turbi causa non oritur actio. However, in that case, the Permanent Court referred to a principle, and I quote, generally accepted in the jurisprudence of international arbitration, as well as by municipal courts, that one party cannot avail himself of the fact that the other has not fulfilled some obligation. If the former party has, by some illegal act, prevented the latter from fulfilling the obligation in question. End of quote. With regard to this principle, the court is of the view that Pakistan has not explained how any of the wrongful acts allegedly committed by India may have prevented Pakistan from fulfilling its obligation in respect of the provision of consular assistance to Mr. Jadhav. The court therefore finds that Pakistan's objection based on the principle of ex turbi causa non oritur actio cannot be upheld. This finding leads the court to a similar conclusion with regard to the principle of ex injuria jus non oritur, which stands for the proposition that unlawful conduct cannot modify the law applicable in the relations between the parties. In the view of the court, this principle is inapposite to the circumstances of the present case. देखिए मैं पहले देखना चाहता हूँ कि डिप्लोमेटिक कूटनीतिक मामले में उस दृष्टिकोण से आप देखें इसमें बहुत बड़ी जीत है जितनी जीत हुई है भारत की कहीं भी वन ऑफ द बिगेस्ट है सबसे सब में प्रथम ही है लेकिन पहले कहना मुश्किल कि पहला है सबसे बड़ा है या छोटा है क्या है यानी प्रथम श्रेणी में है लेकिन आपको ये देखना होगा कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्या करता है इसका उल्लंघन करता है कोर्ट के निर्णय को मानता है कि नहीं वो तो ऑब्लिगेटरी है मानना लाजमी है मानना अगर नहीं माने तब सख्त कदम लेना पड़ेगा सख्त कदम यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ओर जाए उसे उनके सामने हम पेश करें और चीन वीन भी वीटो नहीं कर सकेगा कोई नहीं वीटो कर सकेगा ऐसा मामला कि छवि चीन अपनी छवि को बनाए रखना चाहती है हमेशा ये हो गया तो फिर वहाँ जाना होगा और चैप्टर 7 है चार्टर का यूएन चार्टर का जहाँ की जो कि सेंक्शन जो होते हैं यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के उनका मानना लाजमी है हर एक देश को और ये सिक्योरिटी काउंसिल के सेंक्शन हैं बायलैटरल नहीं है कि अमेरिका ने चाइना के खिलाफ किया या उसके खिलाफ किया या चीन या रूस के खिलाफ या चीन रूस के खिलाफ या ईरान के खिलाफ ऐसा नहीं है वो सिक्योरिटी काउंसिल वाले मानना पड़ता है सारी दुनिया को और पाकिस्तान की छवि से बहुत ख़राब है क्योंकि FATF में भी चीन की मदद से वो अभी रोकते आए हैं तब भी वो अक्टूबर में आएगा फिर और उसे शायद ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा अगर वो अक्टूबर के पहले ये मामला हल हो जाए और वो उसे रिहा कर दें ये कह के कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है मानना पड़ेगा जितना भी नहीं चाहे तो उस पर अच्छी बात होगी उस पर टेंशन घट जाएगा दोनों देशों के बीच में और यही नहीं कि वो अपना उस शायद ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट पर रहें वो ब्लैक लिस्ट पर नहीं जाएंगे
ये सब उनके उनके और अंतर्राष्ट्रीय छबी भी उनकी ठीक हो जाएगी थोड़ी सी, तो उनको ये सब सोच करके करना पड़ेगा। ये बड़ी गलती होगी पाकिस्तान की अगर इसे नज़रअंदाज कर दिया या छोड़ दिया। The court begins by noting that India is not a party to the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, whereas Pakistan signed that convention on 29 April 1970 but has not ratified it. Accordingly, the court will interpret the Vienna Convention on Consular Relations according to the customary rules of treaty interpretation, which, as it has stated on many occasions, are reflected in Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. The Court observes that neither Article 36 nor any other provision of the Vienna Convention contains a reference to cases of espionage, nor does Article 36 exclude from its. तो नीदरलैंड के हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे पर यहां सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और यहां पर फैसला पढ़ा जा रहा है। बड़ी जीत भारत की कुलभूषण पर कह सकते हैं, चूंकि जो अभी तक पढ़ा गया है उसमें भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। ये कुलभूषण की फांसी पर रोक लग गई है, भारत को मिलेगा कॉन्सुलर एक्सेस। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के जो 16 जज थे उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। पाक की तीनों आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं जो पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण जाधव को लेकर के आपत्ति दी गई थी। कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी गई है, भारत की बड़ी जीत कुलभूषण जाधव। लगातार ट्वीट्स भी आने शुरू हो गए हैं, भारत की ये बड़ी जीत है और ये दर्शाता है कि पाकिस्तान को कैसे मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि पाकिस्तान अब इससे कैसे उभरेगा ये भी पाकिस्तान के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन पाक की तीनों आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं आईसीजे। तो इस बड़ी खबर पे हमारे सहयोगी तमाम जुड़े हुए हैं संवाददाता, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं रोहित सावल का, जो इस खबर पे अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, आज सबकी निगाहें टिकी हुई थी कब 6:30 बजे का और कब यह फैसला पढ़ना शुरू होगा, लेकिन जो खबर सामने आई भारत के पक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने कि आज एक तो बड़ी जीत भारत की अगर कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। जिस तरह से जो फैसला आया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला है, और आपको बता दें कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि 15 जो जज थे उन्होंने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है, और इस फैसले में साफ है पाकिस्तान ने जो बातें कही थी उन तमाम बातों को नकारा गया है। यानी तीन आपत्तियां जो पाकिस्तान ने जाहिर की थी उन तीनों आपत्तियों को खारिज किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि अब कुलभूषण जाधव यानी उनको अब एक तो काउंसलर मिलेगा इस पूरे मामले पर, फिलहाल जो फांसी की सजा थी उस पर रोक लग गई है, और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान को साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे फैसले पर आप पुनर्विचार करें। कुल मिलाकर एक बड़ी जीत, और आपने देखा कि जिस तरह से लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो सुषमा स्वराज हो, सबका यही कहना है कि भारत की एक बड़ी जीत है। क्योंकि पाकिस्तान ने इस पूरे मसले की अगर बात करें प्रिया, तो पाकिस्तान ने शुरुआत से ही भारत को गुमराह किया, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भारत को बदनाम करने की कोशिश भी पाकिस्तान ने की। जाधव के चाहे परिवार को ना मिलने की बात हो, उनको मिलने नहीं दिया गया, काउंसलर एक्सेस की बात हुई, संसद में भी मामला उठा, लेकिन इन तमाम बातों को पाकिस्तान हर बार खारिज करता रहा। लेकिन आखिर में भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल की, भारत इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में लेके गया। हेग में जो अभी सुनवाई इस वक्त जिस तरह से फैसला सुनाया जा रहा है, फैसला सुनाया गया, तो उसमें एक बड़ी और निर्णायक जीत इसे कहा जाए भारत की इस पूरे मामले में। और पूरे देश में इस फैसले से खुशी है, और जो तमाम राजनयिक हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी खुशी जाहिर की है। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जासूसी का कुलभूषण जाधव पे यहाँ आरोप लगाया गया था। पाकिस्तान में अदालत में उन्हें सजा भी सुना दी जाती है, उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है, जिसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था, सुषमा स्वराज ने भी किया था जब वो विदेश मंत्रालय संभाल रही थी। तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए, रुक कर लेते हैं मोहम्मद मोइन का, जो प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ है। मोइन, आपके पीछे भी अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है, सबको इंतजार था, पूरे देश को ये इंतजार था कि कब 6:30 बजेंगे और फैसला आना शुरू होगा। और आज जब फैसला सामने आया तो भारत के पक्ष में आया है, 15 जजों ने सहमति जताई है।
जी बिल्कुल, प्रयागराज के लोगों को इस फैसले का बहुत बेसब्री से इंतजार था। लोग सुबह से ही मंदिरों में, घरों में प्रार्थना कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि फैसला कुलभूषण जाधव के हक में आए, फैसला भारत के हक में आए, फैसला देश के हक में आए। क्योंकि अकेले बात कुलभूषण जाधव की नहीं थी, बात यहाँ के लोगों का मानना था कि ये फैसला भारत के अस्मिता से जुड़ा हुआ है, भारत के सम्मान से जुड़ा हुआ है। और लोग ये मान रहे थे कि जिस तरह से मोदी सरकार ने इस मामले में पैरवी की है, कुलभूषण जाधव के मामले को इंटरनेशनल कोर्ट तक ले जाया गया है, तो उसमें भारत को, देश को कामयाबी जरूर मिलेगी। तो अब जब फैसला आ गया है, शुरुआती फैसला भी आया है, कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लग गई है, पाकिस्तान से इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा गया है, तो यहाँ के लोगों के ने राहत की सांस ली है और लोग काफी खुश हैं। यहाँ पर लोगों का मानना है कि ये अकेले कुलभूषण जाधव का मामला नहीं है, बल्कि ये देश की जीत हुई है। और लोग खासकर मोदी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और खासकर पूर्व विदेश मंत्री जो सुषमा स्वराज हैं उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं, ये मान रहे हैं, उनकी कोशिशों की वजह से आज देश को इतनी बड़ी जीत मिली है। बिल्कुल, आपके साथ जो लोग हैं उनसे रिएक्शन जरूर लेंगे, लेकिन अनुभव और नितिन भी हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। वहां किस तरीके का माहौल है, क्योंकि सुबह से ही देश में पूजा पाठ हवन ये सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, सबको इंतजार था 6:30 बजे का, शाम का। और नितिन, किस तरीके के रिएक्शन आपको वहां लोगों से मिल रहे हैं? देखिए बिल्कुल, वाकई में बहुत बड़ी भारत की ये कूटनीतिक जीत है और इस तरह की गुगली भारत ने खेली है कि पाकिस्तान पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो गया है। 16 में से 15 जजों ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है और फौरी राहत के तौर पर जो खतरा फांसी का मंडरा रहा था कि पाकिस्तान कोई भी साजिश के तहत कुछ भी कर सकता है कुलभूषण जाधव का, वो पूरी तरह से टल गया है। काउंसलर एक्सेस की बात भी इंटरनेशनल कोर्ट ने दी है। तो कुल मिला के भारत को की जो कूटनीतिक लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और ये कहा जाएगा एक तरफ से मोदी सरकार के लिए बड़ी राहत की बात है, देश का मस्तिष्क एक बार फिर से ऊंचा हुआ है, पूरा देश आज कुलभूषण जाधव के साथ है। आगरा के तमाम लोग सुबह से ही इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि क्या कोर्ट का फैसला रहने वाला है, भारत की तरफ से क्या दलीलें होंगी। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है कि जिस तरह से इंटरनेशनल स्तर पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है, पहले हम अपने शेर अभिनंदन को पाकिस्तान से बाहर लेकर आए और अब एक बार फिर कुलभूषण जाधव को वापस लाना है। देखिए, कुलभूषण जाधव की रिहाई तो होनी ही थी, क्योंकि सच ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता, ठीक। और पाकिस्तान कितनी भी कूटनीतियां अपना ले, हमेशा उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है और इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी है। अभिनंदन के केस में भी हमने देखा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है और उसके बाद जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद विन कमांडर अभिनंदन की घर वापसी होती है और आज कुलभूषण जाधव की एक बड़ी जीत। रुक करते हैं लखनऊ का, अनुभव हमारे साथ बने। अनुभव, फटाफट लोगों के बीच जाइए और उनसे एक क्विक रिएक्शन लीजिए। देखिए बिल्कुल, भारत के लिए एक बड़ी जीत है और कम से कम हम कहें तो एक कूटनीतिक जीत है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को कहा था कि ये वो एक स्पाई हैं और उनके वहाँ के जो सैन्य अदालत है उसने फांसी की सजा सुनाई थी, और अब जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ तौर पर फांसी पर रोक लगाई है, तो ये कहीं ना कहीं कुलभूषण के परिवार के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए एक राहत भरी खबर है। खासतौर से जो हम कहें तो जो डिप्लोमेटिक मूव भारत ने उठाया उसका ही असर है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से कुलभूषण जाधव को पहले पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कहा कि वो जासूस हैं, फांसी की सजा सुनाई, फिर भारत ICJ में गया, वहाँ पर आज साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि वो अब उनकी फांसी पर रोक लगा दी है। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान एक बेकसूर को फांसी पर लटकाने के लिए आतुर था। आज एक बहुत बड़ा तमाचा है, ICC ने जब ये जजमेंट दिया है और पूरे भारत में एक उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान को खुद को अपने आईने में देखने की ज़रूरत है। आज आतंकवादी गतिविधियों में हर शामिल होने के बाद उनको तमाम सबूत भारत देता रहा, लेकिन वो उसको डिनाई करते रहे। और आज एक बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को इस जजमेंट से सीख लेना चाहिए। आप एक बेकसूर को फांसी पर लटकाने के लिए परेशान थे और आप सोचिए कि इस्लाम में एक बेकसूर को अगर आपने फांसी पर लटका दिया या उसकी हत्या कर दी, तो यानी इस्लाम कहता है कि यहाँ पर यही है कि आज कुलभूषण जाधव की फांसी पर ICJ ने रोक लगा दी है और सिर्फ फांसी पर रोक ही नहीं लगाई, काउंसलर एक्सेस की भी अनुमति दे दी गई है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। रोहित, अनुभव, नितिन, मोइन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।